हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो यानी कि हैशटैग टेक अतुल का दूसरा वीडियो है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाई टेंशन मोटर के हीट एक्सचेंजर के बारे में। आखिर ये हीट एक्सचेंजर क्या है और किस पर्पस से लगाया गया है, टेक्निकली रीज़न के साथ में आज आपको जो है बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके इसके बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक शॉर्टकट ट्रिक शेयर करूंगा कि किलोवाट से एचपी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि आप एक सेकंड में इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से निकाल सकेंगे। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। गाइस, पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस भी मोटर का सप्लाई यानी कि मोटर में हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं, अगर वो 1000 वोल्टेज से ऊपर है तो उसे जो है हम लोग हाई टेंशन मोटर कहते हैं। जैसे कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि हाई टेंशन मोटर पे हीट एक्सचेंजर किया जाता है, तो इस बात को ध्यान देना है। जिस भी मोटर में सप्लाई 1000 वोल्टेज से ऊपर दे रहे हैं, उस मोटर में हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। अब मैं अगर बात करूँ अपने प्लांट का, तो मेरे प्लांट में जो है 6600 वोल्टेज दिया जाता है मोटर पर। उस मोटर का रेटिंग है 900 किलोवाट। हमारे ये जो मोटर है 900 किलोवाट का, इसके अंदर जो स्टार्टर और रोटर है, रोटर हमारा मूव करता है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीटअप जो है जनरेट होता है। तो गाइज, ये हीट जो है हमें कहीं ना कहीं से तो रिमूव करना पड़ेगा। आप जैसे छोटे मोटर्स में देखे होंगे कि 5.5 किलोवाट का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो उसमें जो है बहुत सारे स्लॉट्स कटे होते हैं। मोटर के नन ड्राइव साइड में जो कूलिंग फैन होता है, उस कूलिंग फैन से जो है हमारा मोटर कूल होते हैं। लेकिन ये जो हाई टेंशन मोटर्स है, इसमें जो है कोई भी स्लॉट्स आपको देखने को नहीं मिलता है और इसमें जो है हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो जिसके वजह से ये हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है मोटर को कूल करने के लिए। गाइस, अब सीधे बात करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे पर्पस से यानी टेक्निकली किस लिए जो है ये हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। ये हीट हमारे मोटर से जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठना स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारे हीट एक्सचेंजर है, इसमें जो है बहुत छोटे छोटे पतले पाइप के तरह जो है लगा हुआ रहता है और जिसमें से ये हीट जो है डिसिपेट होना स्टार्ट होता है। और हमारे इस मोटर के ड्राइव साइड में एक जो है फैन लगा होता है और उस फैन से वो हवा जो है हमारे ड्राइव से नन ड्राइव तरफ में आता है और नन ड्राइव के तरफ से जो है ये हमारा हीट जो है बाहर के तरफ यानी कि एयर में आ जाता है। गाइज, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को थोड़े अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। गाइज, सपोज मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में चाय रखा हुआ है और वो चाय जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आप क्या किए कि उस चाय को एक प्लेट में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा चाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और वो ठंडा होने का रीज़न बस इतना ही है कि उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो गया है यानी कि इंक्रीज़ कर गया है, जिसके वजह से उस जगह से जो हमारा हीट है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जा रहा है हमारे एयर में। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ही जो है हमारे हीट एक्सचेंजर पे लगे होते हैं। हमारा जो ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें बहुत सारे हॉरिजेंटली पाइप्स लगे होते हैं और इस पाइप्स जो है पूरा होलो रहता है यानी कि इसके अंदर से बस एयर ही आ पाते हैं। और हमारा जो हीट है, ये हीट हमारे पाइप के सरफेस में लगते हैं और ये एक दो पाइप नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि मोटर का रेटिंग कितना है और मोटर के साइज के ऊपर। तो गाइस, इस तरह से हमारा हीट जो है पाइप्स के थ्रू और एयर के थ्रू जो है बाहर एयर में आ जाते हैं और हमारा मोटर जो है एक लॉन्ग टाइम तक जो है बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाती है। तो गाइस, मैंने अभी आपको जो भी बातें बताया ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।